नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। क्या आप अपने ही ससुराल में प्रताड़ित किए जा रहे हैं? आपकी सास आपको बहुत ज्यादा परेशान करती है, आपके काम काज को बुरा भरा बोलती है और आपके कामों को बिगाड़ देती है। आपके माँ बाप को बहुत ज्यादा बुरा भला बोलती है, दाज दहेज के लिए आपको परेशान कर रही है, आपके पति को आपके प्रति भड़काती रहती है और घर के बाकी सदस्यों को भी आपके प्रति गुमराह कर रही है। आप चाहते हैं कि किसी तरह आप अपनी सास को अपने वश में कर सकें ताकि वो उसके सभी दुखों को दूर कर सके और आपको अपनी बेटी की तरह माने, तो आज का ये उपाय आपके लिए बहुत ही मददगार साबित होने वाला है, क्योंकि विशेष उपाय आपके लिए गुरु माँ सरोज देवी जी लेकर आई हैं। ये इतना पावरफुल उपाय है कि चुटकियों में आपकी सास को वश में कर लेगा। ये उपाय आपने सिर्फ एक दिन करना है और तुरंत ही आपको इसके रिजल्ट मिलने शुरू हो जाएंगे। बस आपने ये उपाय पूरी सावधानी के साथ करना है। ये उपाय बहुत ही पावरफुल है, पर इसको करने की विधि बहुत ही आसान है। अगर आप पूरी निष्ठा के साथ गुरु माँ सरोज देवी जी की बताई गई हुई विधि के साथ ये उपाय कर लेंगे, 100% गारंटी है कि आपके लिए ये उपाय कार्य करना शुरू कर देगा। इस उपाय के करते ही आपकी सास आपके पूरे तौर पर वश में आ जाएगी और जो भी आपको बुरा भरा बोलती है, आपके नुक्स निकालती है, आपको परेशान करने की कोशिश करती है, वो तुरंत इस सब को करना बंद करेगी और आपको अपनी पलकों पर बिठा लेगी। आपसे इतना प्यार करेगी कि वो आपको कभी भी अपनी आंखों से ओझल होने नहीं देगी, वो आपको आपकी माँ की याद भी नहीं आने देगी। इतना प्यार आपको वो करना शुरू कर देगी, आपको ऐसा लगेगा कि आप खुद अपनी माँ के पास आ चुकी हैं। आपकी सास आपको इतना प्यार करेगी कि आपके सभी दुख दर्द दूर हो जाएंगे, आपको किसी भी चीज़ की कमी नहीं रहेगी। बस आपने ये उपाय गुरु माँ सरोज देवी जी के द्वारा बताई गई हुई विधि के साथ करना है। आइए जानते हैं इस उपाय की पूर्ण जानकारी के बारे में। इस उपाय को करने के लिए आपने घर के अंदर कोई भी मीठा पदार्थ बनाना है। चाहे आप खीर बना सकते हैं, चाहे आप गाजर का हलवा बना सकते हैं, चाहे आप सिंपल हलवा बना सकते हैं, कुछ भी, पर वो मीठा होना चाहिए। एक बार अगर आप उसको बना लें, थोड़ा सा कटोरी में ले लें, उस कटोरी के ऊपर आपने लाल कपड़े से उसको ढक देना है। इसके बाद आपने एक मंत्र का जाप करना है। ये मंत्र का जाप आपने 51 बार करना है। ध्यान रहे, इस मंत्र जाप में कोई भी गलती नहीं होनी चाहिए। इस मंत्र जाप के पूरे वक्त के अंदर आपने अपनी सास का चेहरा अपने मन के अंदर याद करते रहना है। जैसे ही मंत्र खत्म हो, इस लाल कपड़े को हटा दें और जो ये मीठी खीर आपने बनाई है, या तो आप इसको पूरे बर्तन में मिक्स करके उनको खिला सकते हैं, या फिर अलग से आप अपनी सास को ले जाकर ये मीठी खीर खिला दें। जैसे ही वो ये मीठी खीर खाएंगी, वैसे ही आपके लिए ये उपाय काम करना शुरू कर देगा। आपकी सास आपके वश में आ जाएगी। आप एकदम से हैरान हो जाएंगी कि वो आपको कैसे प्यार करना शुरू करेंगी। वो आपको अपनी बेटी से ज़्यादा प्यार करेंगी और आपका बहुत ज़्यादा ख्याल रखेंगी, कभी भी आपको दोबारा निराश नहीं करेगी। तो अगर आप भी अपने सास को वश में करना चाहते हैं, उसका प्यार हासिल करना चाहते हैं, तो बिना देर करते हुए स्क्रीन पर दिए गए हुए नंबर पर कॉल करके आप गुरु माँ सरोज देवी जी से संपर्क कर सकते हैं। तो अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगती है तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।